I'm out from Deputy Commissioner Office. Hello, West Siang District. I filed my first set of nomination paper for the 1 West Arunachal Parliamentary Constituency. अभी अभी हम नॉमिनेशन नामांकन डाल के आया हूँ और मैं दूसरा सेट फिर कल डालेंगे क्योंकि जो प्रोसेस को कंप्लीट करना जरूरी है कि नॉमिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत कुछ प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना पड़ता, हम लोग करेंगे। और यहाँ आलो में कल शाम को आया, यहाँ सभी गालो भाई बहन, यहाँ का दोस्त, विशेष करके जो कल्चरल ग्रुप्स, जो पोनुंग ग्रुप्स लोग ने अच्छा से स्वागत किया, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी यहाँ वेस्ट सियांग का लोगों को, विशेषकर अरुणाचल का लोगों को, पार्टिकुलर वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन लोग का आशीर्वाद का जरूरी होगा और मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, समय कम है, आप सब मदद करिएगा। जो मेरा दोस्त है, जो मेरा भाई है, मेरा बहन है, जो जो आम जनता है, जो हमको पहचानते हैं और जो मेरा आवाज़ आप लोग का पहुंच सकते हैं, मैं उन सबको विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि हमको इस बार साथ देगा और सपोर्ट करेगा बोल के मेरा पूरा विश्वास है। मैं एमपी जीतने के बाद, ये अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करने के बाद, मैं अरुणाचल का हित के लिए, देश का हित के लिए, विशेष करके जो सोशल जस्टिस के लिए, जो हमारा लोग जो अभी दुख दर्द में जी रहा है, दर्द दर के जी रहा है, उन लोगों के लिए हम लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे पार्लियामेंट में और देश में कोने कोने में। उसके बाद हमारा जो इकोनॉमिक जस्टिस है, जो नौजवान यूथ बेरोजगार है, जो हमारा व्यापार है, जो बिजनेसमैन है, जो मीडियम क्लास बिजनेस लोग का बिजनेस लॉस हो गया है, उन सभी के लिए हम लोग लड़ेंगे। विशेष करके जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अदर परामर्स लोगों के लिए भी मैं इकोनॉमिक जस्टिस के लिए हम जरूर लड़ेंगे, उसका न्याय के लिए लड़ेंगे। तीसरा जो है पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस बहुत लोग को डिप्राइव हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को डिप्राइव हो रहा है, अन्याय कर रहा है, घर और रिलेशंस को उसका सम्मान नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, हर देश में या रीजन में, हर हमारा प्रदेश में जो हिंसा फैला रहा है, लोगों को सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, नौजवान यूथ को सेफ्टी नहीं है, महिलाओं को सेफ्टी नहीं है और टीचर अन्याय हो रहा है, इन सब के लिए हम लोग लड़ेंगे। आपका नेतृत्व में, आम जनता का मदद से, आम जनता का सपोर्ट से, ब्लेसिंग से, मैं जरूर अपना देश के लिए, अपना प्रदेश के लिए, विशेष करके हमारा अरुणाचल का जनजातियों के लिए, मैं उनका सुरक्षित के लिए हम खड़ा करेंगे। सर, दिल्ली सीएम का जो अरेस्ट हो रहा है सर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? ये तो गलत है। जो भी ओपोनेंट है, ओपोनेंट के जो लीडरशिप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इस प्रकार से जो हरासमेंट करना, टॉर्चर करना, उसकी उस प्रकार से व्यवहार करना, उसका कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। तो मुख्यमंत्री का कोई इज्जत नहीं है, मंत्री का कोई इज्जत नहीं है, जो एमपी का कोई, उसका कोई सम्मान नहीं है। जो 100 से अधिक लोगों को सस्पेंड किया जाता है, कानून पास करते हैं, तो यहाँ लीडर का कोई रेस्पेक्ट नहीं है, तो फिर आम जनता का रेस्पेक्ट कहाँ से मिलेगा? कोई लीडर का कोई सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है, तो आम जनता किस प्रकार से सिक्योर सेफ्टी मिलेगा? तो ये न्याय का लड़ाई है, ये न्याय का लड़ाई में आप लोग सब साथ दीजिएगा। तो कि साहब, आप प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष में, टोटल कितना सीट में विधायक लोग कांटेस्ट कर रहे हैं? आज से नॉमिनेशन डाल रहा है और कल भी समय है, नॉमिनेशन पूरा डालने के बाद पता चलेगा, क्योंकि इस बार विधानसभा में कम सीट में शायद हम लोग लड़ रहा है, क्योंकि बहुत कारण है, कारण आप लोग को मालूम है, क्योंकि यहाँ क्या स्थिति है, कैसे चल रहा है, देश कैसे चल रहा है, आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग बताएंगे। आप प्रदेश का जनता को, क्योंकि आप लोग दोनों सीट में कॉन्टेस्ट कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट में, दोनों सीट में लोग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं दोनों सीट में, और दोनों सीट में चुनाव जीत के आएंगे तो वहाँ
इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक का सरकार सेंटर में बनेगा, इसलिए दोनों सीट जितना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है हमारा जनता फैसला करेंगे। सर, रिलीजियन ऑन पॉलिटिक्स आप क्या सोचते हैं इसलिए? हम लोग मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, ऑल एस्टैब्लिश्ड सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी है, और हम लोग जो इसलिए हम कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहा है, जो सेकुलर माइंडेड है डेमोक्रेटिक है वो हमको साथ देगा, जो कम्युनल माइंडेड है वो उन लोगों को साथ देगा। थैंक यू।